ये है टी वी एस चैम्प कीबोर्ड एंड ये मैंने परचेज़ किया है 426 रुपीज़ में। एंड ऐसी कुछ पैकेजिंग में आता है ये कीबोर्ड, ब्लैक ब्लू एंड वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में है पैकेजिंग। तो ऐसी कुछ पैकेजिंग है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है एलिगेंट एंड ड्यूरेबल। एंड यहाँ पे सारे फीचर्स वगैरह आप देख सकते हो। लेज़र कार्ड कैरेक्टर है, तो इसमें कैरेक्टर प्रिंट नहीं किए हैं, लेज़र से कार्व किए हैं, इच किए हैं, तो काफ़ी इम्प्रेसिव है। एंड इसमें मल्टीमीडिया की का सपोर्ट मिल जाता है, तो जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स में सिर्फ कीबोर्ड है, मैनुअल वगैरह नहीं है। एंड इस कीबोर्ड में 1 ईयर की वारंटी मिलती है। कीबोर्ड ब्लैक कलर में है एंड टॉप सरफेस मैट फिनिश में है, आप क्लोजली देख सकते हो। एंड यहाँ पे चैम्प प्लस लिखा हुआ है इसका मॉडल नंबर। एंड यहाँ पे टी वी एस इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है। कीबोर्ड का फ्रेम आप देख सकते हो, टॉप में थोड़ा सा थिक है लेकिन साइड में स्लिम है एंड ऐसे राउंड कर्व्स में है, तो काफ़ी अच्छी बात है। स्क्वायर में फ्रेम होता तो हाथ में ऐसे चुभता है, तो ऐसे कर्व्स की वजह से काफ़ी कंफर्टेबल रहता है टाइप करते वक्त। एंड ऐसे कर्व शेप की वजह से टाइपिंग में काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा ये कीबोर्ड। कीबोर्ड का शेप एंड डिज़ाइन आप देख सकते हो, मैं आपको 360 डिग्री घुमा के दिखा देता हूँ। कीबोर्ड की थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हो स्लिम है। ये कीबोर्ड फुल साइज कीबोर्ड है, तो इसमें आपको नमपैड देखने को मिल जाता है 1 2 3 4 5 6। एंड ये LED इंडिकेटर है नम लॉक के लिए, कैप्स लॉक के लिए एंड स्क्रॉल लॉक के लिए। एंड इसमें मल्टीमीडिया की का भी सपोर्ट मिल जाता है, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप, नेक्स्ट, प्ले, पॉज। एंड यहाँ पे शॉर्टकट की है, होम, ईमेल, फाइल मैनेजर, फाइल एक्सप्लोरर। एंड ये बुकमार्क के लिए है, तो ऐसा कुछ है फंक्शन की से आप इसे यूज़ कर पाओगे। एंड इसमें रूपी का सिंबल भी मिल जाता है, आप देख सकते हो। कीबोर्ड में लेटर प्रिंट की क्वालिटी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है, इरेज करने पर इरेज नहीं हो रहा है। एंड इसमें लेज़र इच किया गया है, तो ये कभी रिमूव नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा वाइट कलर ऊपर से यूज़ किया है एंड आप क्लोजली देख सकते हो, ये वाइट कलर निकलने के बाद भी अंदर की तरफ ट्रांसपेरेंट वाइट प्लास्टिक है, तो ये कभी भी रिमूव नहीं होगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आप जितना भी टाइप कर ले, ये लेटर प्रिंट रिमूव नहीं होगा, तो काफ़ी इम्प्रेसिव है। एंड पीछे की तरफ ये लेग्स दिए हैं, जिसे आप ओपन क्लोज कर सकते हैं जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। एंड यहाँ पे ऐसे ग्रिप्स दिए हैं, रबर ग्रिप, जिससे कि टेबल पे अच्छी ग्रिप मिल सके ऐसे। एंड आई थिंक इस कीबोर्ड का कोई सेल वाला वर्जन आता है, आप देख सकते हो ऐसा सेल के लिए, कंपार्टमेंट के लिए ऐसा बनाया हुआ है, लेकिन ये वायर्ड कीबोर्ड है तो इसका कोई वर्जन आता होगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। यहाँ पे ऐसे राउंड शेप में काफ़ी सारे होल्स दिए हैं एंड बॉटम में भी आप देख सकते हो ऐसे काफ़ी सारे होल्स हैं, तो थोड़ा बहुत लिक्विड गिरता है इस पर, तो ये यहाँ से होल्स में से निकल जाएगा, तो ये लिक्विड स्प्लैश प्रूफ है। कीबोर्ड में प्लास्टिक की स्ट्रेंथ आप देख सकते हो, फ्लैक्स हो रहा है एंड बैंड नहीं हो रहा है, तो ठीक ठाक ही है इस प्राइस रेंज में। कीबोर्ड की साइज़ आप देख सकते हो, ये 17.5 इंच वाइड है एंड वर्टिकली 6 इंच है, तो वर्टिकली ये ज़्यादा है। कीबोर्ड का वेट विथ वायर होता है 455 ग्राम। यूएसबी की क्वालिटी ऐसी कुछ है एंड केबल पीवीसी में है, लेकिन इसमें ग्रूव्स बने हुए हैं, आप देख सकते हो क्लोजली, तो काफ़ी अच्छा लगता है टच करने पर, ऐसे ग्रूव्स बने हुए हैं। केबल की लेंथ 1.6 मीटर है। एंड ये कीबोर्ड मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, तो मैं आपको की को रिमूव करके दिखा देता हूँ। इसमें ये ऐसा मेम्ब्रेन है एंड की क्वालिटी अंदर से ऐसी कुछ है, तो इसकी वजह से ये काफ़ी अच्छे से इसमें इंटैक्ट है, एक भी की लूज नहीं है। एंड टाइपिंग करते वक्त आपको इरिटेशन वगैरह नहीं होगा कि की लूज़ है, ऐसा कुछ है, इसमें काफ़ी अच्छे से इंटैक्ट है। एंड इसकी मेम्ब्रेन की क्वालिटी से मैं काफ़ी इंप्रेस हूँ, काफ़ी सॉफ्ट इसमें प्रेस होता है, तो टाइपिंग करते वक्त आप काफ़ी इंजॉय कर पाएंगे इस कीबोर्ड में। ये कीबोर्ड काफ़ी कम प्राइस में आता है, फिर भी इसकी मेम्ब्रेन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इससे मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ इसके प्रेस होने की फीडबैक से। कीबोर्ड को अभी पीसी के साथ कनेक्ट करते हैं एंड ये कनेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हो इसमें ब्लू कलर की LED इंडिकेटर है, ये नमलॉक के लिए है एंड यहाँ पे कैप्स लॉक के लिए है। एंड इसमें आप नंबर कुछ ऐसे टाइप कर पाओगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे फंक्शन की से आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर पाओगे, वॉल्यूम अप हो रहा है, वॉल्यूम डाउन हो रहा है। एंड यहाँ पे ये शॉर्टकट की है, होम मतलब कि क्रोम खुल जाएगा,
तो आप देख सकते हैं क्रोम खुल गया है, एंड ये ईमेल के लिए है, एंड ये फाइल एक्सप्लोरर के लिए है, एंड ये बुकमार्क के लिए है, तो ऐसा कुछ है। एंड इसमें रूपी का सिंबल भी है जिसे आप कंट्रोल शिफ्ट दबा के प्रिंट कर पाओगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो रूपी का सिंबल आ चुका है। अभी कीबोर्ड में आपको कुछ टाइप करके दिखाता हूँ। इसमें टाइपिंग करते वक्त काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा इसका टाइपिंग एक्सपीरियंस है, बहुत ही सॉफ्ट इसमें की प्रेस होती है, तो काफ़ी इम्प्रेसिव है टाइपिंग करते वक्त। कीबोर्ड में एंटी गोस्टिंग सपोर्ट करता है या नहीं वो देख लेते हैं। दोनों शिफ्ट को दबाते हैं एंड मेरा नाम लिखते हैं अंकित पटेल। तो आप देख सकते हैं मेरा नाम प्रिंट नहीं हो रहा है, मतलब कि ये एंटी गोस्टिंग को सपोर्ट नहीं करता है। एंड इसमें एक साथ हम कितनी की को प्रेस कर पाते हैं वो देखते हैं। तो एक साथ दो हो रही हैं, एक साथ तीन हो रही हैं, एक साथ चार हो रही हैं, तो एक साथ पाँच नहीं हो रही हैं। तो एक साथ मैक्सिमम हम चार की को प्रेस कर पाते हैं। इसमें कीबोर्ड में टाइपिंग करते वक्त ऐसी कुछ साउंड आती हैं। काफ़ी इम्प्रेसिव है इस प्राइस रेंज में, आप सुन सकते हो बेसिक टाइपिंग टेस्ट। गेमिंग टेस्ट तो आप देख सकते हैं ये एंड्रॉयड स्मार्टफोन में कनेक्ट हो चुका है कीबोर्ड, एंड इसे आप टीवी वगैरह में भी कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि आजकल टीवी में एंड्रॉयड ओएस ही आता है। तो 426 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है, फुल्ली पावर पैक्ड कीबोर्ड है। इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है, मल्टीमीडिया की का सपोर्ट, शॉर्टकट की, रूपी का सिंबल, और क्या ही चाहिए। टाइपिंग के लिए काफ़ी औसम है, अगर आप टाइपिंग के लिए लेना चाहते हो तो आप आँख बंद करके इसे ले सकते हो, काफ़ी औसम इसमें टाइपिंग होता है। अगर आपने ये कीबोर्ड पहले से ही परचेस करके रखा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितना औसम है कीबोर्ड, एंड बताएं कि आपने कितने रुपए में परचेस किया था। कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस आपने वीडियो में देख लिया है, तो आपका कोई क्वेश्चन हो इस कीबोर्ड के बारे में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।